तो हाय दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। आज हमारे साथ हैं एम्स 2019 में AIR 33 एंड नीट 2019 में AIR 58 अचीव करने वाले वन ऑफ द मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन श्रेयस अग्रवाल। हाय श्रेयस। हेलो सार्थक, और भाई कैसा है? बढ़िया। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्लास 10 तक सेम स्कूल में थे एंड सेम क्लास में थे, एंड श्रेयस क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा हुआ करता था, एंड इतना मस्तीखोर कि हर टीचर इससे परेशान रहती थी। तो क्विकली स्टार्टिंग देखते हैं कि एक ऐसे बच्चे की जर्नी फ्रॉम बीइंग अ मोस्ट नोटोरियस बॉय इन द क्लास टू द टॉपर ऑफ एम्स इन दिल्ली। सो फर्स्टली यू आर इन एम्स दिल्ली श्रेयस प्रेजेंटली, सो टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ एम्स दिल्ली ना, कि क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज वहाँ रहती हैं एंड क्या क्या को करिकुलर एंड व्हाट्स योर डेली शेड्यूल लाइक। हाँ, तो बेसिकली डेली शेड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो नॉर्मल डेज होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, और एक वीकेंड्स और हॉलीडेज जो होती हैं। तो जो नॉर्मल डेज रहते हैं उसमें ऐसा रहता है शेड्यूल कि सुबह मतलब 9 बजे क्लास रहती है, तो 8:50 तक कुछ उठते हैं, जल्दी से बस मुंह हाथ धोते हैं और जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। फिर 9 to 1 हमारी क्लासेस रहती हैं, लेक्चर्स वगैरह और प्रैक्स। फिर 1 to 2 हमारा लंच ब्रेक रहता है, जिसमें हम लोग रूम पे ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको कमी हॉस्टल्स में मिलता है, और वहीं पे फिर कुछ भी नेटफ्लिक्स या वगैरह खाना नेटफ्लिक्स देखते देखते खाना खाते हैं। फिर 2 to 5 फिर हमारा प्रैक्स होते हैं मोस्टली, और सैटरडे को हमारा बस 1 तक ही रहता है। तो उसके बाद फिर हम लोग जब 5 बजे आते हैं नॉर्मल डेज पे, तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ मैगी वगैरह मंगवाते हैं, सब लोग एक रूम में इकट्ठे होते हैं नॉर्मली, वहां पे चिल करते हैं थोड़ी देर 1 घंटे। फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलने आता हूँ मैं नॉर्मली, तो 1 घंटे कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, फिर वहां से आके फिर रूम में नहा लेते हैं फिर, और फिर उसके बाद रात का खाना खाते हैं फ्रेंड्स के साथ। फिर उसके बाद कुछ मतलब पढ़ाई का जो होता है डेली का वो देख लेते हैं, और ज्यादातर पढ़ाई हम लोग वीकेंड का ही सोचते हैं, रोज कम ही करते हैं। मतलब कॉलेज में जब हम अटेंड करते हैं तो सोचते हैं कि अच्छे से अटेंड कर लें, कि ज्यादा कॉलेज में ऐसा नहीं कि बहुत मस्ती, जब क्लासेस रहती हैं जब अच्छे से पढ़ाई का ट्राई करते हैं, और फिर रात में सो जाते हैं। तो ये बेसिक दिन का होता है। और जब वीकेंड्स रहते हैं तो जब तो वीकेंड्स रहते हैं तो हम रात में टेनिस खेलते हैं, तो मतलब मैं टेनिस खेलता हूँ, तो सुबह तक खेलते हैं, फिर 7 बजे आके सोते हैं, तो 2-3 बजे उठते हैं संडे को। फिर उसके बाद नाश्ता और खाना कई बार स्किप हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पे कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ पे सैंडविच वगैरह खाते हैं जो कि 24 आवर्स खुली रहती है। फिर उसके बाद आते हैं रूम पे, पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर, फिर 5-6 बजे वही बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, फिर आते हैं नहाते हैं खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये बेसिक हमारा चलता है। मतलब कॉलेज लाइफ काफी चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई है, जब कॉलेज आर्ट्स रखते हैं उसमें पढ़ते हैं, और जो पढ़ाई के आर्ट्स निकालते हैं उसमें ट्राई करते हैं कि पूरे अच्छे से पढ़े। अच्छा, तो मतलब काफी चल लाइफ जाती है, एंड जितनी तुमने मेहनत यहाँ 2 साल की उसका पूरा वहां पे जाके तुम रिटर्न्स ले रहे हो। एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सेकेंडली श्रेयस, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने जब कोचिंग स्टार्ट करी थी, एंड जनरली एक प्रेशर रहता है बच्चों पे कि किसी भी जब हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो हमारी बैच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे से पहले का पढ़ के रखते हैं, एंड हमारे ऊपर प्रेशर भी रहता है क्योंकि कोर्स एक अपनी पेस में चलता ही रहता है, तो उनके साथ भी कॉम्पीट करना है, और एक वो एनवायरमेंट रहता है। तो उसमें तुम्हारा क्या माइंडसेट था, एंड हाउ डिड यू टेकल दैट सिचुएशन, कि हाउ डिड यू मैनेज इट एंड देन अपीयर्ड फॉर द मॉक टेस्ट कमिंग? तो इसमें तो यही बोलूंगा कि डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन बना के रखना है, और जो आपके फ्रेंड्स होते हैं इसमें वो काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे, हम लोग लास्ट बेंच पे बैठते थे, लास्ट बेंचर्स कहलाते थे एलन में भी, और वहां पे भी मतलब ऐसा था कि जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं उनका हम लोग ज्यादा डीमोटिवेट नहीं होते थे, और यही सोचते थे कि टेस्ट में देखते हैं क्या होगा।
तो टेस्ट का जब रिजल्ट आता था, जब फिर वही बच्चे जो ज्यादा बोलते हैं वो कम बोलने लग जाते थे, और हम जो कम बोलते हैं वो ज्यादा बोलते थे। तो यही है कि ऐसे बच्चों से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और सेल्फ मोटिवेशन बनाकर रखना है, और ज्यादा जो बोलते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन कम्पीट आपको मतलब कॉम्पिटिशन दिख जाता है, तो उससे यही बोलूंगा कि हेल्दी कॉम्पिटिशन उसको बना के रखो, ऐसा नहीं कि उससे कम लाने हैं, अपना कॉम्पिटिशन खुद से रखो कि खुद से और अच्छा बेटर परफॉर्म करना है हर बार। मतलब ये एक एग्जाम, एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे आप किसी को पीछे कर सकते हैं पर खुद से ऊपर उठ के ऊपर आ सकते हैं एक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, और श्रेयस एक और, जैसे आपका जो पूरा मैंने जर्नी देखी और जैसे अपन ने बात हुई पहले, तो यू आर वेरी कंसिस्टेंट, भले ही या तो वो मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में हो या फिर एग्जाम में आपकी क्लास में आपकी प्रेजेंस हो, एंड बैकलॉग्स जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहता है बच्चों की रैंक डैमेज होने का, तो आपके क्या आपके भी बैकलॉग्स क्रिएट होते थे, एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट कि बैकलॉग्स अगर हो गए हैं तो कैसे मैनेज करें, एंड कभी या तो आपके होते ही नहीं थे, मतलब व्हाट वाज द सीन? मतलब इसमें मैं मेरे पापा को इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे मेरे पापा ही डॉक्टर हैं, तो उनने हमेशा से यही सिखाया था कि बैकलॉग नहीं होने चाहिए, जो रोज का रोज है वो रोज का रोज होना चाहिए। तो बैकलॉग मेरे ऐसे पर्ट से नहीं हुए, पूरे 2 साल की जो जर्नी थी उसमें बैकलॉग नहीं हुए, क्योंकि पापा का रोल रहता था, पापा रोज रात में पूछते थे कि जो आज पढ़ाया वो हो गया, और उसमें से एक दो क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछ लेते थे, तो इसलिए बैकलॉग्स की नौबत तो नहीं आई। बाकी वही कहूंगा कि अगर बैकलॉग्स हो भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट होना है फिर पढ़ाई छोड़ देनी है, उससे और ज्यादा मोटिवेट करो खुद को कि एक कोई डे डिसाइड कर लो ना, तो कि मैं नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे तक मेरे बैकलॉग्स क्लियर करूंगा, और रोज का रोज तो पढ़ना ही है। तो जैसे जो फिर सैटरडे संडे होते हैं, ये बैकलॉग्स क्लियर करने का दिन होता है बेसिकली मेरे लिए। तो बैकलॉग्स अगर क्रिएट भी हो गए हैं तो इन दिनों में आप ज्यादा पढ़ के बैकलॉग्स हटाओ, और जैसे कि मैं सैटरडे संडे को ऐसे यूज करता था कि रोज का रोज चलता, तो जो वीक में बनाया है मतलब एक टारगेट डिसाइड होता है, तो एक डेली टारगेट रहता है, एक वीकली टारगेट रहता है, और एक मंथली टारगेट रहता है। तो डेली टारगेट में रोज का रोज हो जाता है, और वीकली टारगेट जो होता है उसमें जो वो वीक में पढ़ा है वो सब हो जाता है, तो आपका 2 बार रिवाइज हो जाता है, और एक मंथली टारगेट होता है, तो वो फिर मंथ के एंड में टेस्ट होता है, तो उससे सब कुछ रिवाइज हो जाता है, तो आपका 3 बार ये रिविजन हो जाता है। और फिर कभी ऐसी जैसे मतलब 5 या 6 दिन की ऐसी बीच में कभी छुट्टियां आ जाती है, दिवाली वगैरह की या कोई त्योहार की या किसी भी चीज की, ऐसे 3 दिन की मिल जाती है, तो उसमें भी मैं रिवीजन को ज्यादा टाइम देता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि नया पढ़ने का सोचते हैं कि कुछ भी हो तो हम लोग और नया से नया पढ़ लें, तो बोलूंगा कि वो करना ज्यादा सही नहीं है, एज मतलब रिवीजन को आप ज्यादा टाइम दो, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर जल्दी जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब गुरु मंत्र यह है कि रोज का रोज पढ़ना जरूरी है, तो हाँ बैकलॉग्स बिल्कुल अपन क्लियर कर सकते हैं। एंड आपने जैसे अभी अपनी बात हो रही थी तो मुझे एक स्टोरी भी बताई थी आपके फ्रेंड की, कि जिसने 1 महीने का टारगेट लिया था टू क्लियर ऑल हिज बैकलॉग्स, और उतने समय में उसने टेस्ट की रैंक वगैरह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एंड हाँ फिर तो मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे, तो काफी डीमोटिवेट हो रहा था, तो ये मैंने उसको एक दिया था सजेशन कि ऐसा कर कि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि उसकी रैंक गिर रही थी जो पहले अच्छी आती थी। तो मैंने उसको ऐसा टास्क दिया था कि ऐसा कर कि 15 या 20 दिन या 1 महीने में डिसाइड कर ले कि मैं बैकलॉग मेरे सारे क्लियर करूंगा और अप टू डेट अभी के कोर्स से तो चलूंगा, तो और उसके बीच जो टेस्ट है उसके स्कोर से तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट हो उसमें फिर तेरे को फोड़ना है। तो ऐसे में फिर उसने काफी हद तक उसके बैकलॉग सब क्लियर कर लिए थे, और उनके बीच में जो टेस्ट हुए थे वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट तो दिए, लेकिन उसने उनपे स्कोर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया, और अगला जो टेस्ट हुआ फिर उसने उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो अंडर 5 आया था। तो यही बोलूंगा कि आप ऐसा कुछ डिसाइड कर लो, अगर बैकलॉग्स हो गए तो एक टारगेट बना के चलो और फिर उसको फेथफुली फॉलो करो। अच्छा, हाँ, मतलब इफ बैकलॉग्स क्रिएट हो गए तो पहले एक प्लान तैयार करो ताकि वो बैकलॉग्स क्लियर हो चुके हैं, एंड मेक श्योर दैट कि अब आगे से कोई भी बैकलॉग्स क्रिएट ना हो, मतलब वही कि रोज का रोज तो करना ही है, एंड जो बैकलॉग्स क्रिएट हो गए उनको भी धीरे धीरे खत्म करते जाना। ग्रेट। हाँ, एंड श्रेयस एक और डाउट जो कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कि जैसे जब हमारी ऑनगोइंग क्लासेस चलती रहती हैं
तो हर वीकेंड या 2 वीकेंड्स में एक बार हमारे मॉक टेस्ट होते रहते हैं। एंड जनरली वो मॉक टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा होता है वो हमारी क्लास में जो सिलेबस चल रहा है उनसे काफ़ी अलग होता है। एंड बच्चे हमेशा इसी डिलेमा में रहते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए पढ़े या क्लास पे ध्यान दें। एंड इसके कारण क्या होता है कि फिर वो टेस्ट के लिए पढ़ भी नहीं पाते, देन फिर जब उनके मार्क्स कम आ जाते हैं तो दे मतलब डीमोटिवेट होते हैं एंड फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जिसके कारण उनकी रैंक ऑफ कोर्स डैमेज होती है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते थे कि मॉक टेस्ट का भी पढ़ा एंड देन ऑन गोइंग क्लासेस भी साथ में? हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जो मॉक टेस्ट में अलग सिलेबस रहता था, तो बाकी लोग जो रहते थे वो फिर उसका पढ़ना चालू करते थे। तो मैं वही कहता था उन लोगों को, और मैं खुद करता था कि मतलब जो हो रहा है रोज का, वो तो रोज का करना ही है, लेकिन जो टेस्ट वाला वीक होता है उसमें मैं फिर रात में आधी 1 घंटे एक्स्ट्रा लेके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, जो नए टॉपिक्स मतलब पहले के टॉपिक्स आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था, तो उससे कॉन्फिडेंस रहता था। जैसे मैं पहले 2 बार रिवीजन हो जाया करता था, जो जब पढ़ाया है उस वीक में 2 बार रिवीजन हो जाता था, तो रोज का और एक वीकली, तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो ठीक ही था मेरा, और बाकी फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। तो उस जो चैप्टर जो भी आ रहा है उसके 200-300 क्वेश्चन अगर मैंने वीक में लगा लिया तो कॉन्फिडेंस हो जाता था, तो रोज का रोज भी चलता रहता था और उसमें भी कॉन्फिडेंस रहता था, तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता था मेरा। अच्छा हाँ, तो मतलब हमें टेस्ट के पहले जो वीक आ रहा है उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर टेस्ट में टॉपिक्स आ रहे हैं उनके। एंड रोज़ के रोज़ में आप थियोरी तो पढ़ ही रहे हो जो कि ऑनगोइंग क्लासेस में चल रही है। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो टेस्ट में अब आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट आप फिर समझ रहे हो, या ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जब रोज का रोज पढ़ाते हैं सर आपके, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, और उस जो वीक होता है टेस्ट वाला जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आता है हमें। अच्छा हाँ हाँ श्रेयस, तो सर श्रेयस एक और डाउट ये रहता है बच्चों का कि काफ़ी बच्चे ये जो मॉक टेस्ट होते हैं इनके रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं कि जैसे आपने अभी बताया है कि ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है एंड फिर मॉक टेस्ट भी हो रहा है तो वो दोनों पे एक साथ ध्यान नहीं दे पाते, फिर कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट फ्लक्चुएट करता है इन मॉक टेस्ट और फिर वो उसको काफ़ी ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं एंड फिर वो स्ट्रेस और डिमोटिवेशन का जो फेज़ आता है जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती और फाइनली फाइनल्स में रैंक डैमेज होती है। तो इसको कैसे हैंडल करें, मतलब क्या अपने आप को बाइफरकेट कर लेना चाहिए किसी एक कैटेगरी में, क्या बेस्ट सॉल्यूशन है इसका? हाँ, मतलब इसमें यही बोलूंगा कि आपको बायफरकेट करते आना चाहिए। मतलब मैंने 2 ग्रुप्स देखे हैं इसमें स्टूडेंट्स के, एक जो होते हैं जो मॉक टेस्ट को अपना मोटिवेशन बनाते हुए चलते हैं कि ये जो आ रहा है मॉक टेस्ट में मैं अच्छी रैंक लाऊंगा तो एंड तक अच्छी रैंक लाऊंगा, जो कि मॉक टेस्ट को भी एकदम अपने फाइनल नीट और एम्स जैसा सोच के देते हैं, और एक जो बच्चे होते हैं वो मॉक टेस्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो लेकिन अपने बारे में खुद जानते हैं कि हमें आता है और हम एंड में परफॉर्म करेंगे। तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो कैटेगरी में आते हो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं पर्सनली मॉक टेस्ट वाली कैटेगरी में आता था, मैं टेस्ट के हिसाब से चलता था कि टेस्ट में जो आ रहा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और मतलब मेरे को टेस्ट जैसे काफी अफेक्ट करता था, अगर मेरा एक बुरा आता था तो डिमोटिवेशन होता था जैसे सबके साथ होता है, तो मैं टीचर से बात करता था, टीचर काफी मोटिवेट करते हैं उस टाइम पे, और अगर मेरा अच्छा आता था तो मेरे को खुद सेल्फ मोटिवेशन आता था कि और अच्छा परफॉर्म करना है। मतलब कंपटीशन खुद से रखो, और मैं तो हर टेस्ट को मतलब फाइनल टेस्ट जैसा सोच के देता था, तो हर एक भी कोई छोटी सी मिस्टेक तो मेरे को खुद को काफी बुरा लगता था। और मेरे एक फ्रेंड था जो कि मतलब मेरे से अपोजिट था, वो मॉक टेस्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, जैसे मैं एक सी मिस्टेक पे काफी मतलब डिमोटिवेट हो जाता था, वो सोचता मॉक टेस्ट की तो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको खुद को पता था कि मैं मतलब पढ़ रहा हूँ तो ये सी मिस्टेक बाद में नहीं होगी, तो वो सिली मिस्टेक्स को भी ठीक ठाक समझ के आगे आता था और एंड में फिर अच्छा परफॉर्म कर लेता था। अच्छा, मतलब क्रॉस रोड्स पे खड़े रहने के बजाय अपने आप को किसी एक कैटेगरी में बांट लो वो ज़्यादा सही है हाँ, कि अगर आपको टेस्ट से अफेक्ट होता है तो देन यू शुड मैनेज योर शेड्यूल लाइक कि आप टेस्ट के लिए टाइम निकाल रहे हो और फिर अपने फुल पोटेंशियल से टेस्ट में बैठ रहे हो तो फिर आपके नंबर्स भी अकॉर्डिंगली आएंगे। बेसिकली वाला सेल्फ असेसमेंट काफी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस नेचर से हो, और मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या क्या नेगेटिव्स है, और जो नेगेटिव्स है उनको पॉजिटिव करने का ट्राई करना चाहिए।
अच्छा हाँ, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग स्टफ श्रेयस। तो श्रेयस, एक और जैसे कि ये एक बड़ी जर्नी रहती है 2 से 3 साल की, एंड इसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। किसी दिन पढ़ाई अच्छी होती है, किसी दिन नहीं भी होती है। तो कभी कभार बच्चे इसको बहुत लिटरली ले लेते हैं कि जिस दिन पढ़ाई नहीं हुई तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एंड इतनी बड़ी जर्नी के लिए आपको थोड़े थोड़े समय में अपने आप को रिचार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है, कि एक बूस्ट चाहिए रहता है जिसके बाद, या तो उसको अपन ब्रेक कह लो, जिसके बाद आपकी पढ़ाई वापस से उसी एफिशिएंसी के साथ होने लग जाए। तो आप ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करते थे जिनके कारण आपकी पढ़ाई नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक और पूरी एफिशिएंसी के साथ होती थी? हाँ, तो इस पे ये बोलूंगा कि ब्रेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपका वीकली टारगेट है वो आपका सेट रहता है, तो आपकी रोज का रोज वो तो हो ही जाना चाहिए। बाकी ब्रेक्स, जैसे मैं खाना खाते खाते यूट्यूब काफी देखता था, तो उसमें स्टैंड अप कॉमेडी जितनी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मैंने सब देख ली थी। मतलब बहुत ज्यादा देखता था मैं, काफी मजा आता था मेरे को। और मैं चेस वीडियोस देखता था, चेस खेलता हूँ मैं। तो मतलब जो भी आपको बेसिकली रिफ्रेश कर दे चीजें, आपको वो करनी चाहिए। मैं बैडमिंटन भी खेलता था जैसे शाम को, और खाना खाते खाते जैसे मैं टीवी भी देख लिया करता था कई बार, जब बहुत ज्यादा मतलब मन नहीं हो रहा है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है फिर भी आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मतलब आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि मजे के साथ करनी है। तो वही रहता था कि जो रोज का रोज है वो मैं मजे के साथ करता था, ऐसा नहीं कि बोझ मान के करता था बहुत पढ़ाई। और तो जब नहीं होती थी तो मेरे को पेरेंट्स का भी ऐसे काफी सपोर्ट था। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अगर करने का मन नहीं है तो मत कर, मतलब बिना मन की पढ़ाई में का फिर वो जो रिजल्ट नहीं आ पाता बेसिकली। इसलिए जब मन होता जब पढ़ता था तो वही सही रहा। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो देन वो आगे रह के आपको बोल दे कि हाँ ठीक है, तुम आधे 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, एंड देन रिचार्ज योर सेल्फ एंड गेट बैक टू स्टडीज। और एक हाँ, और मतलब पॉइंट पेरेंट्स में, का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, पेरेंट्स और टीचर्स का, कि वो डीमोटिवेट नहीं करें। मतलब बच्चे को बोझ बना के पढ़ाई नहीं करें कि बच्चे का मन नहीं हो रहा है फिर भी आप उसको रूम में लॉक करके पढ़ा रहे हो। इससे और रिजल्ट खराब ही होता है, बच्चा और डीमोटिवेट होता है और उसके रिजल्ट और डाउन ही आते हैं। तो सब आसपास का मतलब आपका एनवायरनमेंट भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी पढ़ाई के अलावा आपके नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं होने चाहिए, मतलब क्वांटिटी में नहीं लेकिन क्वालिटी में आपकी पढ़ाई काउंट करनी चाहिए बेसिकली। हाँ मतलब कई बार बच्चे पूछते हैं भैया कितने घंटे पढ़े, कितने समय पढ़ने से हो जाएगा, बट ये नंबर्स आर हार्डली नंबर्स जस्ट। तो उसमें एक कि आप क्वालिटी हाँ टाइम पढ़ो तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, कि जैसे आपने बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो वो सिचुएशन हफ्ते में 1 या 2 बार ही आती थी। नहीं तो बच्चे कई बार इसको एज अ एक्सक्यूज बना लेते हैं कि रोज ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एंड एक बार वो टीवी देखने बैठे तो फिर कब निकल गए, 3 घंटे कब निकल गए मालूम ही नहीं चला। तो यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर शेड्यूल, कि आपको यदि खाना खाते खाते ही यूट्यूब देखना है तो बस उतने टाइम के लिए देखना है, फिर आप उसको हाँ मतलब कंटिन्यू नहीं आपके करते। डेली टारगेट्स, डेली टारगेट्स मतलब बेसिकली जो आप बनाते हो वो आपके क्लियर होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि जैसे आप रूटीन जैसे बनाते हो वैसे नहीं बनाना है, डेली टारगेट्स फ्लेक्सिबल रखना है। ऐसा नहीं कि इतनी देर तक ये करना है, इतनी देर से इतनी देर तक ये करना है, लेकिन मैं ऐसे चलता था कि पूरे दिन में ये करना है। तो उसमें जब जो टाइम, जैसे मेरे को फिजिक्स में काफी मजा आते थे, मैं फिजिक्स मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था, और बायो मेरे को इतने मजे नहीं आते थे। तो बायो में उस टाइम पे करता था जब मेरा मतलब एकदम पढ़ाई करने का मन कर रहा है, और फिजिक्स उस टाइम पे कर लेता था जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार सो लेते हैं, मतलब पढ़ाई का मन नहीं है तो खेलने चले जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं फिजिक्स करता जिसमें मेरे को काफी मजे आते थे। तो ऐसा नहीं लगता था फिर कि मैं बहुत ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेता था उस टाइम पे, मतलब ज्यादा कॉन्सेप्ट या ऐसी रटने वाली चीजें नहीं करता था। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट इफ टेकन वाइसली और एक प्लान्ड वे में ले। मतलब आपको अपने डेली टारगेट्स तो पूरे करने ही हैं, एंड देन इफ आपके पास टाइम बच रहा है तो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1/2 आवर और 1 आवर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसे संडे टू संडे बेसिस पे भी कुछ करते थे फॉर रिचार्जिंग आवर सेल्फ, की जैसे हर 2 या 3 वीक में एक बार आपका टेस्ट होता था तो देन समथिंग की आज हमने कोई मूवी देख लिया, ऐसा कुछ ताकि आप रिचार्ज हो सके? हाँ, तो इसमें ऐसा रहता था कि संडेज में जैसे हर थर्ड संडे मेरा टेस्ट होता था, तो
टेस्ट होने के बाद मैं कैलकुलेट कर लेता था मार्क्स, फिर उस संडे तो मैं पढ़ता नहीं था, उस संडे मतलब मैं रिफ्रेश होने के लिए मूवीज वगैरह देखता था, और मतलब आउटडोर गेम्स जो मैं हमेशा रोज नहीं करता हूँ वीकडेज में, जैसे क्रिकेट खेलने जाया करता था, तो ऐसी स्टफ करता था जिससे मतलब पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन दूसरी दूसरी चीजें करता है जिससे मतलब अगले जो वीक आ रहा है उसमें पूरे वीक का मोटिवेशन मिल जाए कि अब अपन ने इतना टाइम मस्ती कर लिया तो अब पढ़ना है, ऐसा करता था। और जो 2 संडे होते थे बीच में, उसमें फिर टारगेट जो डेली टारगेट रहता था वो संडे का होता था, और संडे जो वीकली टारगेट्स रहते हैं उसमें सैटरडे संडे का टाइम जो रहता था वो इंक्लूडेड रहता है, तो उसमें जो वीकली टारगेट्स रहते हैं वो वीक का पढ़ लेता था और संडे को एक मूवी भी देख लेता था। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं था, मतलब चिल वे में करता था पढ़ाई भी। मतलब पढ़ाई मजे लेके करना है। और मैं एक बार फिर हाईलाइट करना चाहूँगा हमारे सभी स्टूडेंट्स को कि श्रेयस ये जो भी ब्रेक्स थे ये 3 संडेज में एक बार लेते थे, एंड जो डेली ब्रेक्स का भी वो बता रहे हैं वो हफ्ते में बस उन्हें 1 या 2 दिन ही लेने पड़ते थे। तो मेक श्योर कि आप ये एक्सक्यूज ना बना ले कि पढ़ाई नहीं हो रही तो श्रेयस भैया ने बोला था तो ब्रेक ले लेते हैं। सो दिस इज नॉट लाइक दिस ना, कि आपको ब्रेक की जरूरत हफ्ते में 2 दिन पढ़नी चाहिए, एंड एक ऐसे बड़े ब्रेक की जरूरत जैसे श्रेयस ने बताया कि अराउंड आधे दिन का ब्रेक, वो आपको महीने में 1 या 2 बार पढ़नी चाहिए, एंड दैट इज नेसेसरी ऑल्सो, बट यू शुड नॉट मेक इट अ हैबिट। सो हाँ, एग्जैक्टली तो श्रेयस जैसे काफी सारे बच्चों को डाउट्स रहता है कि मटेरियल, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कोचिंग्स का और दूसरी बुक्स भी जो हमारे पास अवेलेबल है वो लगभग कहीं ना कहीं सबको मालूम ही होती है, एंड मटेरियल भी कहीं ना कहीं सबका सेम ही होता है। तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि पर सब्जेक्ट कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट है, एंड देन हाउ टू सॉल्व देम लाइक कि उससे हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, क्योंकि वो ही कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं जो सभी बच्चे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा आपने उनको किस तरीके से करा था कि आपको उनसे मैक्सिमम आउटपुट मिल पाया? हाँ, तो इसमें पहले तो मैं बुक्स के नाम बता देता हूँ जो मैंने जनरली रेफर की थी। तो इसमें बायो में मैंने एनसीईआरटी सबसे बेसिक बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, एम्स में भी इसमें से ही क्वेश्चन आते थे जब होती थी। और इसके बाद फिर जो रेफरेंस बुक्स होती थी उसमें पर से मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ता था, लेकिन एमसीक्यूज के लिए मैंने एमटीजी सॉल्व की थी, डॉक्टरली सॉल्व की थी, और मतलब इन दोनों बुक्स को भी ऐसे मतलब मैं बोलूंगा कि मल्टीपल स्टफ के पीछे मत भागो कि 10 बुक्स लगा ली तो मेरे को काफी कुछ आना चाहिए। मैं बोलूंगा कि एक ही बुक जो आप कर रहे हो, जैसे ये दोनों जो बुक्स ली वो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी, तो उनको जैसे मैंने 5 बार कर लिया 2 ईयर की जर्नी में, मतलब 5 बार कर लिया ऐसे टाइप से करता था मैं। मतलब मल्टीपल रीडिंग्स इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर भूल गए, तो भूलना नहीं है। अगर आपने एक बार गलत किया क्वेश्चन फिर वो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, इस कंसेप्ट पे मैं चलता था। तो बायो में ये दोनों बुक्स थी, और फिर केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी थी, और बाकी जनरल एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने 11th और 12th की एंड एंड में, तो उससे भी काफी मदद मिली थी। और इनऑर्गेनिक में एनसीआरटी मेन है, दोनों में 11th और 12th में काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बायो के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो आप इनऑर्गेनिक की, क्योंकि एम्स और नीट दोनों में उसी से क्वेश्चन आते थे, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीके जायसवाल मैंने यूज की थी, और ऑर्गेनिक में एच हिमांशु पांडे यूज की थी, एम एस चौहान की थी। और इसमें एम एस चौहान में मतलब दो आती हैं, नीट वाली और आईआईटी वाली, तो मैंने इसमें आईआईटी वाली चूज की थी क्योंकि मेरे सर बोल रहे थे कि मतलब उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है क्वेश्चंस का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा आईटी वाले में ज्यादा थे, और तो ये सॉल्व की थी। और फिजिक्स में एच सी वर्मा और डीसी पांडे सॉल्व की थी, और बीएम शर्मा भी मेरे जो बैचमेट्स हैं बाकी वो लोग बोलते हैं कि बीएम शर्मा ही काफी अच्छी बुक है, मैंने सॉल्व नहीं की थी लेकिन वो लोग सब बोलते हैं कि काफी अच्छी बुक है तो वो यूज कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करना है, मैं वही कि मतलब फिजिक्स में तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैंने डीसीपी का हर एक क्वेश्चन किया था, और प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डीसीपी के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते थे जो काफी एएमयू सीईटी और जितनी भी नेशनल एग्जाम्स होती थी उसमें आते थे, तो प्रीवियस ईयर से आपको एक लॉजिक उनका समझ में आता है कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं वो लोग, तो वो उससे एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है मतलब थोड़ा कि किस टाइप के ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, तो उनके अच्छी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए।
और बाकी एचसीवी का हर एक क्वेश्चन तो नहीं किया था मैंने, लेकिन मेरे सर ने मार्क करके दिए थे कुछ क्वेश्चन जो जैसे शुरू के एचसीवी के जो एमसीक्यूज है वो तो बेस्ट है। मतलब कंसेप्ट अगर आपको कंसेप्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो वो करके आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और शुरू के एक्सरसाइजेस के जो रहते थे वो उसके फॉर्मूले बेस्ड रहते थे, तो उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करके बाद के जो अच्छे क्वेश्चन रहते थे बीच के वो मैंने ज्यादा सॉल्व किए थे, और एकदम एंड एंड के भी काफी जो हाई लेवल के थे वो भी सब नहीं किए थे। तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि आपकी एग्जाम्स का लेवल कितना है। मतलब अभी जो नीट आई थी वो काफी इजी थी इस बार, तो मैं मतलब क्वेश्चन एचसीवी के एकदम एंड वाले, लेकिन डीसीपी के हर एक क्वेश्चन मतलब करना चाहिए मेरे हिसाब से, किए थे मैंने वो। तो मतलब मेन पॉइंट है कि रेदर देन सॉल्विंग टू मेनी बुक्स, एक बुक सॉल्व करो एंड उसको मल्टीपल टाइम्स कर लो, स्पेशली फॉर नीट, कि रिपीटेशन इज द की। एक ही मतलब चीज एक बार अच्छे, एक बार ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी कर लिया फिर दूसरे मटेरियल पे चले गए वो खत्म हो गई तीसरा कर लिया, मतलब एक ही को बार बार रिवाइज करो कि ऐसा हो जाए कि अब क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं होना चाहिए उसमें से जो आपने किए हैं उसमें से। तो मतलब श्रेयस के साथ एक और खास पॉइंट ये था कि उन्होंने एक ही बुक को 2 साल में 5 बार किया था, तो दैट्स लॉट ऑफ टाइम्स। तो मतलब ये हमको सीखना चाहिए कि रिपीटेशन ज्यादा जरूरी है रेदर देन आप एक ही चीज 10 अलग अलग चीजें कर रहे हैं। हाँ श्रेयस, तो मतलब अभी तक तो काफी सेशन थोड़ा हार्श टाइप हो चुका है, तो थोड़ा सा फन लेने के लिए है हम रैपिड फायर राउंड एक पूछूंगा, एंड यू विल बी गिवन टू ऑप्शंस और देन आपको चूज करना होगा कि आप क्या चूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें। ओके ओके हाँ, तो जैसे फर्स्टली एम्स और नीट, एम्स एम्स डॉक्टर अली और एमटीजी। हाँ दोनों काफी अच्छी बुक है, मतलब मैंने दोनों रेफर की थी इसलिए मेरे को दोनों काफी अच्छी लगी थी, लेकिन अगर एक चूज करने को मिले तो आई वुड रादर प्रेफर एमटीजी, क्योंकि मतलब डॉक्टर अली 11th की तो काफी अच्छी है लेकिन 12th में थोड़े मतलब मेरे को एनसीईआरटी के बाहर के ज्यादा क्वेश्चंस लगे, तो एमटीजी। अच्छा, एंड अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप 10 तो 10 to 12 years वाले श्रेयस के पास वापस जा सकते हैं एंड उनको एक एडवाइस देना चाहे, तो क्या होगी? तो जब वो वाली एज में तो मैं बस ये एडवाइस देना चाहूंगा कि काफी मस्ती करो, खेलो, और मतलब पढ़ाई का बर्डन बिल्कुल जब भी मैं बिल्कुल नहीं लेता था, और मैंने बेसिक मेरी प्रिपरेशन 11th में शुरू की थी, तो 10th तक तो मैं कि हर बच्चा खेले आराम से मस्ती करे और पढ़ाई का बिल्कुल नहीं सोचे ज्यादा। तो मतलब इससे ये भी मालूम पड़ता है कि 10th तक के रिजल्ट्स का कोई रिलेशन नहीं होता आपकी नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में, हाँ कि ऐसा वो कुछ नहीं हार्ड आपका लेवल पे। 11th 12th में, यस यस आप 11th 12th में अगर अच्छे पढ़ते हैं तो आराम से क्लियर होती हैं, जैसे मेरी एनटीएससी भी क्लियर नहीं थी जो कि मेरे काफी दूसरे बैचमेट की क्लियर थी जो कि अभी मतलब ज्यादा अच्छे कॉलेज में नहीं है। अच्छा, हाँ, सही है, ग्रेट स्टफ। श्रेयस, अगर किसी भी एस्पिरेंट को नीट क्लियर करने के लिए हम ऐसी कुछ 5 क्वालिटीज क्या उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे एक अच्छी रैंक के साथ पहुंच सके? हाँ तो 5 क्वालिटीज में सबसे पहले हार्डवर्क आता है, क्योंकि तो एम्स और नीट ऐसी एग्जाम्स है जहाँ पे मतलब हार्डवर्क से आप बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये आईआईटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपको लॉजिकल या आईक्यू बहुत ज्यादा होना जरूरी है, यहाँ पे हार्डवर्क से आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर तो सेकेंड आपका रहता है डेडिकेशन, तो आपको अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहना है, उससे बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, और जो भी दूसरी चीजें आपको डेविएशन ला रही हैं उससे दूर रहना है। फिर उसके बाद एक कंसिस्टेंसी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, और ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन काफी अच्छी पढ़ाई कर ली फिर 1 वीक नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आपको रोज का रोज एक फ्लो बना के रखना है और वो पूरे 2 साल का फ्लो रहता है जो कि फिर एग्जाम्स में प्रोड्यूस होता है रिजल्ट। फिर फोर्थ मैं बोलूंगा कि मोटिवेशन, मोटिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे जो बीच में अप्स एंड डाउन आता है तो उसमें मोटिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपके एक टेस्ट में बहुत अच्छा आ गया और फिर बहुत बुरा आ गया तो आप डिमोटिवेट हो गए, पढ़ना छोड़ दिया, मतलब आपके अप्स एंड डाउन्स को आपको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ मोटिवेटेड रह के आगे पढ़ना है।
और फिफ्थ एक एंथुजियास्टिक रहना है आपको अपने गोल के प्रति, और उसको अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो आपको फिर करना चाहिए। अच्छा हाँ, तो मतलब डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशन, ये कीज हैं जिनके थ्रू आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन की लॉक को ओपन कर सकते हैं। हाँ श्रेयस, थैंक यू श्रेयस, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड उनकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड ऑल टू ऑल माय स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बियॉन्ड लिमिट्स टू गेट इन नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल दीज अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस। सो थैंक यू श्रेयस वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू।